हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड तो पहुंच गए हम आर्यन छेत्री। आज है तीसरा मैच एमडीडी के साथ। ये रहा अपना गैंग और आज हमारे साथ देखो कौन है। आज हमारे कप्तान भी आए हैं मैडी। ये देखो ये भी पहुंच गए हैं तरुण भाई, शुभम साहब। ये बंदा देख लो, ये ध्यान से देख लो भाई। ये बंदा भी अपनी टीम में है। हेलो। ये बंदा भी अपनी टीम में है। तो टीम NIPBT 11 आज तीसरा मैच खेलेंगे और कप्तान का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक कप्तान आया नहीं, हम दूसरे को साथ लेके आ गए। आज देहरादून में अगर क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैडी के साथ ही किया, मैडी की कप्तानी में। बड़ा सुंदर वेन्यू है अगर देखा जाए, सामने विकेट्स और आगे मसूरी की पहाड़ियाँ। ये आ गया टॉस के लिए कॉल हो चुका है। टॉस के लिए कप्तान NIPBT और कप्तान MDD, ये दोनों अंपायर्स के साथ में ग्राउंड में पहुंचेंगे। फिलहाल वेन्यू बहुत अच्छा है। ये 5th ऊर्जा कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट NIPBT 11 आज अपना खेल रही है तीसरा मैच। तो इधर है ग्रीन में येलो स्ट्राइप्स और थोड़ा सा येलो इसके साथ। टॉस के लिए और सचिव किरण भाई खुद हैं यहाँ पर टॉस के लिए। सूरज राणा, बहुत शानदार माहौल ग्राउंड को। और ये उत्तराखंड का एक, ये जो आवाज सुन रहे हैं गढ़वाली में, यानी कि आप सुन रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल है। और ये टॉस के लिए आप लाइव देख सकते हैं GT स्पोर्ट्स पर लाइव चलेगा। GT स्पोर्ट्स के क्रू आप देख रहे हैं। और ये टॉस की प्रक्रिया आप लिंक को फॉलो करेंगे जितने भी ग्रुप में हैं। और जब भी आप देखते हैं GT स्पोर्ट्स दून, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप ऊर्जा का पूरा लाइव देख सकते हैं। ये क्रू यहाँ पर देख रहे हैं आप सामने से, बिल्कुल ऊपर सामने से कमेंट्री आपको जो सुनाई दे रही है। टॉस टॉस के लिए किरण टॉस सिक्का उछाला गया। हेड कॉल है और बैटिंग का NIPBT बैट करने जा रही है पहला मैच। तो ये NIPBT 11 का खेमा बैटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं और अंकुश भाई जो कि प्रो प्लेयर के रूप में हैं NIPBT 11 एजुकेशन से, अंकुश भाई अच्छे ऑलराउंडर, हिमांशु और इधर शुभम सर, दोनों तैयार हैं ओपनिंग पेयर NIPBT 11 के लिए। दोनों की ओपनिंग जुड़ी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं दोनों फिलहाल। और सामने है MDDA की टीम ब्लू में देख रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ ग्रीन एक तरह से मिलिट्री ग्रीन के साथ में है येलो स्ट्रिप्स के साथ NIPBT 11। थोड़ी देर बाद पहली बॉल डाली जानी। दोनों ही बैटर जाते हुए सलामी बल्लेबाज NIPBT 11 से हिमांशु थापा कैप्टन 777 जर्सी के साथ खेलते हैं और शुभम कनौजिया 12 नंबर जर्सी के साथ खेलते हैं। सामने पहाड़ियाँ, पहली बॉल और फेस किया था शुभम सर ने, पहली बॉल पे चौका लिया था। दूसरी बॉल आ रही है, छोटी बॉल काफ़ी
बहुत छोटी बॉल थी। MGDA के अगेंस्ट खेल रही है आज चेन्नई PUD 11। तीसरी बॉल लेकर लंबे कद के गेंदबाज छोटे कदमों से जाते हैं और रिलीज पॉइंट काफ़ी ऊपर है। ये भी छोटी गेंद पटकने की कोशिश और वाइट बॉल का इशारा। एक एक्स्ट्रा दूसरा ओवर, पहले ओवर से आए थे 5 रन। छोटी और ये ऑन द लेग, वाइट बॉल का इशारा। स्पिन अटैक लेके आ गए दूसरे ही ओवर में। अगली गेंद स्पिन करने की कोशिश, वहाँ फील्डर है बिल्कुल, कोई रन नहीं, वाइट से रन आया पहली गेंद पर। लंबे कद के ये उठा के खेला और गैप में जाएंगे 4। शुभम सर के बल्ले से निकला चौका। ली गेंद थोड़ी लंबी और ये रन ले लिया, बहुत नज़दीक था, बहुत क्लोज रन। स्ट्राइक पर हिमांशु, पिछले मैच में अच्छी बैटिंग हुई थी। छोटी गेंद और ऑन साइड में खेल दिया है, निकलेगी गेंद फील्डर बॉल के पीछे, पहला तेजी के साथ लिया फील्ड करके जब तक वापस जाती। 2 रन पूरे के ओवर की समाप्ति। पहला झटका तीसरे ही ओवर में, कैच आउट होकर बाहर आ रहे हैं शुभम सर, शुभम कनौजिया और अंकुश चौहान गए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में हिमांशु का साथ देने के लिए। पहला झटका, शुभम सर आउट होकर बाहर आ रहे हैं, आई नहीं पूरी। हिमांशु का 50 रन पूरे किए हिमांशु ने, कैप्टन एक तरफ से अभी टिके हुए हैं, आउट होकर आए हैं नरेश नयाल फिर एक बार। हिमांशु फिर से स्ट्राइक पर अपने 50 पूरे करने के बाद, पिछले मैच के फाइटर रहे थे। और ये फिर से ऑफ साइड में खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखी, और ये NIPBD के 100 रन पूरे 12 ओवर में आए हैं 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। और ये सारा लेखा जोखा जो आप तक पहुंचा रहा हूं, अंकुश भाई बैठे हैं यहां पर, उन्हीं से आ रहा है। और ये है NIPBD का खेमा मेहता साहब कोलकाता से, अब यहाँ पर देहरादून में जबरदस्त। अभी भी हिमांशु टिके हुए हैं और स्ट्राइक पर हैं, हिमांशु अभी भी टिके हुए हैं। एक एंड से बहुत बढ़िया संभाला हुआ है उन्होंने, लंबी शॉट्स खेल रहे हैं अभी भी पूरी जान लगाकर। और बॉलिंग में चेंज, प्रतीक को लाए हैं स्ट्राइक बॉलर, नहीं फिर से चेंज किया कुछ बॉलिंग में चेंज, प्रतीक को कहा थोड़ा रुको। हिमांशु थापा 71 करके खेल रहे हैं, बहुत अच्छी कप्तानी पारी उनकी, अच्छे ऑलराउंडर, बॉल भी डालते हैं मीडियम पेस और ओपन करते हैं टीम के लिए, कप्तान हैं टीम के फिर से एक बार। और ये भी फील्डर आ रहे हैं, देखना है रोक पाते हैं यानी, और ये मिस,
और अच्छी कोशिश जरूर की थी यहाँ पर। और ये फिर से एक चौका हिमांशु के बल्ले से, 777 जर्सी नंबर के साथ खेलते हैं हिमांशु। ओवर थ्रो, फायदा उठाया, भागे और एक की जगह दो रन। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अभी भी हिमांशु की ओपनर गए थे। अभी भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग। लंबे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, लंबी हिट्स के लिए जाने जाते हैं हिमांशु। और ये फिर से बैट ले गए थे, कनेक्ट नहीं हुई, इनर रेज लगी, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। खुश होंगे बॉलर कि हिमांशु नॉन स्ट्राइक रेंट पे पहुंचे। स्टंप्स के पीछे रवि बिस्ट, एमबीडीए के अच्छे ऑलराउंडर। अगली गेंद, और ये सिर्फ बैट लगाया है, देखना है फील्डर वहां पर मौजूद है। और ये चार रन, अरुण के बल्ले से निकला है ये चौका। समाप्ति के बाद एनआईपीबीडी 11 का स्कोर 140 तीन विकेट के नुकसान के पश्चात। और एक लंबे स्कोर के लिए अब हिमांशु को देखना होगा, क्योंकि आज 100 क्या लगता है अंकुश भाई, क्या आज हिमांशु जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं आज 100 आ सकते हैं उनके बैट से? जिस हिसाब से हिमांशु बैटिंग कर रहा है और शुरू से ही टच में है, ऐसा नहीं है कि एक हैंड से विकेट रोका हुआ है उन्होंने, और उसके साथ रन भी तेजी से बना रहे हैं। आपको 41 पे उन्होंने 78 रन बना लिए हैं और 190 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। जिस तरह से डीपीएल भी खेलते हैं और आप उनके साथ काफी खेले हुए हैं, आपने देखी हुई है, हिमांशु एक बहुत अच्छा इंटेंट रखता है और एनआईपीबीडी को कैप्टन भी कर रहा है, तो आप क्योंकि अपोजिट में भी खेलते हैं, आज उसकी कप्तानी में खेल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है एज ए प्रो खेल रहे हैं आप एनआईपीबीडी 11 से? जी सर, ऐसा है कि हिमांशु भैया को मैं तब से जानता हूँ जब से हिमांशु भैया हमारी टीम में आए थे चीपा एजुकेशन में। अच्छा, और तब से हम जुड़े थे आपस में और काफी अच्छे नेचर के हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं और समझाते रहते हैं कि पिच में टिकना है। जैसे मैं गया था अभी, तो मुझे कहा था कि रुक के खेलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, रन हम बना लेंगे। अब वो मतलब समझाते हैं प्लेयर को और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। क्या बात है। चलिए अंकुश भाई, आपकी जिस तरह से हिमांशु से सुना है और देखना चाहते हैं हम कि एक बार आप फिर से आएंगे। थैंक यू अंकुश भाई। ये थे अंकुश चौहान, प्रो प्लेयर के रूप में एनआईपीबीडी 11 में। हिमांशु बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अभी भी इंटेंट वही है उनका जिस तरह से वो शुरुआत से खेलते हैं। लंबी हिट्स के लिए जाने जाते हैं हिमांशु। हिमांशु थापा के बल्ले से और एक छक्का अरुण कुमार के द्वारा, माफ कीजिए, अरुण कुमार के द्वारा एक छक्का आया था और ये फिर से लेग में नो बॉल का इशारा अंपायर का, और भाग कर भी दो रन पूरे कर लिए हैं। नो बॉल का इशारा और ये फ्री हिट, हेलीकॉप्टर हिट, हेलीकॉप्टर का पंखा घुमाया अंपायर ने। और ये देखिए एनआईपीवीडी का खेमा आज काफी खुश है, ये नवनीत भाई बैठे हैं आगे और फिर वाइड, अंपायर को मात्र पंख पसारने पड़ रहे हैं। यह एनआईपीवीडी का खेमा बिल्कुल आज खुश है कप्तान को बैटिंग करता देख। ये अच्छी गेंद, चूक है अरुण, गेंद आगे आके खेलना चाहा, बॉल नीचे रही, एक रन हिमांशु को स्ट्राइक दिया। हिमांशु 80 रन पे खेल रहे हैं और ये फुल टॉस बिल्कुल, और ये डाली बाहर, चार रन हिमांशु के बल्ले से, 84 रन पर खेल रहे हैं हिमांशु। अभी भी इस मैदान का पहला शतक आना बाकी है। ऊर्जा कप का इस मैदान का, और एक बार फिर से बैट पे लिया, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखी। अच्छा, देवभूमि 10, क्या बात है। हरीश पवार सर, क्या लग रहा है जिस तरह से
जिस तरह से आज हिमांशु थापा यानी कि कप्तान बैटिंग कर रहे हैं और 80 पे खेल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छी शुरुआत से जो कैप्टन साहब ने जो स्टार्ट दिया है और एंड तक अभी 16 ओवर हो चुके हैं और 182 रन के आसपास है और वो खुद भी शायद मुझे लगता है 15 रन पीछे हैं शतक से, तो इससे बढ़िया बेहतर नहीं हो सकता एक कप्तान के लिए और एक टीम के लिए और साथ में एनआईपीवीडी के लिए भी, एक बूस्ट भी मिलेगा। हर एक बॉल के पीछे एनआईपीवीडी है और हर एक बैट्समैन के साथ एनआईपीवीडी जुड़ा है, तो हम ही नहीं है हमारे साथ जो वहां है वो भी निश्चित रूप से लड़ रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक शुभ। बिल्कुल, ये साथ में एक बार उधर ले जाऊं आपको, चौका जरूर आया। तो हिमांशु के लिए बहुत खुश है और देखते हैं और लग के खेलेंगे सब लोग, ये मैसेज है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरीश पवार को सुन रहे थे आप, देवभूमि जिनके पीछे 10 नंबर की जर्सी में, और अब देखना हिमांशु के बल्ले से यहाँ मैदान के बीचों बीच और एक चौका निकला है। और कमेंटेटर बॉक्स में आ चुके हैं मैडी, फिर से हिमांशु और एक चौका, और फिर से और एक चौका, 93 पर पहुंच गए हिमांशु 177 तीन विकेट के नुकसान पर, और 93 पर हैं हिमांशु। और आज बहुत गजब का इंटेंट दिखाया है हिमांशु ने, लंबी हिट के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, इस बार एक रन मिलेगा 94 फिर एक इस एक रन के साथ। अरुण आए हैं स्ट्राइक पर, अरुण के बल्ले से भी आज बाउंड्रीज मिली हैं, तो आज एक अच्छा स्कोर, यहां पर स्कोर की बहुत दरकार अगर देखा जाए तो। अरुण के बल्ले से निकला चौका, बहुत बढ़िया, बहुत गजब का एक चार रन, अपने कप्तान का साथ दे रहे हैं अरुण। और बहुत गजब का वेन्यू है अगर देखा जाए, सामने मसूरी की पहाड़ियां और इधर पूरा जंगल इस तरफ, यहां एनआईपीवीडी का खेमा। आज काफी खुश हैं सभी। अगली गेंद फिर से अरुण स्ट्राइक पर, एक चौका मारा था और एक बार फिर से, इस बार हवा में है गेंद, देखना होगा फील्डर वहां मौजूद हैं और फील्ड किया। तब तक हिमांशु ने कॉल किया और बहुत अच्छी रनिंग शुरू से खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी वही इंटेंट जहां दो रन मिलने चाहिए वहां ले रहे हैं। चेंज किया है, प्रतीक को लाए हैं एमडीडीए की तरफ से, प्रतीक स्ट्राइक बॉलर, देखना होगा, सामने हिमांशु हैं और बड़े अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहे हैं हिमांशु। शतक के बहुत नजदीक, हवा में गेंद है और काफी ऊंची गेंद है, कोई नो मैन्स लैंड थ्रो आ रहा है और ये देखना होगा कलेक्ट नहीं हुआ, और इसी के साथ दो रन पूरे किए। बेटा बढ़िया बढ़िया, छियानवे रन पर खेल रहे हैं हिमांशु, 50 गेंदे लेकर 96 रन, चार रन दूर हैं अपने प्रतीक सामने, और ये अच्छी गेंद, उतना ही सम्मान दिया। हिमांशु 96 रनों पर खेल रहे हैं, लंबी गेंद और ये, और ये वाइड बॉल का इशारा, अभी भी इंतजार करना होगा हिमांशु को। एक सौ इक्यानवे रन एनआईपीवीडी, और हिमांशु अभी भी अपने शतक से चार रन दूर हैं। अगली गेंद, लंबी गेंद और ये हवा में गेंद है, फील्डर वहां पर है, देखना होगा, और अच्छा ट्राई किया था, बहुत जबरदस्त ट्राई किया था, हाथ में आ सकता था, बहुत ही जबरदस्त कोशिश की थी, बहुत दूर से रन करके आए थे, डाइव करके लेना चाहते थे लेकिन, और ये बीट हुए और 97
ये अरुण के बल्ले से फिर एक चौका। आज अरुण छाया हुआ है बिल्कुल, बहुत गजब की बैटिंग कर रहा है और बहुत ही गजब। दोनों के बल्ले से बाउंड्री जाती हुई बहुत ही जबरदस्त। अगली गेंद फिर से एक बार, इस बार फिर ये फील्डर यहाँ मौजूद और ये कैच। अच्छी पारी अरुण की, बहुत बढ़िया अरुण की, और बहुत अच्छी बैटिंग करके आज अरुण बहुत अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं। इनके त्यागी वाले जरूर खुश होंगे आज, बहुत जबरदस्त बैटिंग करके आए हैं। देखे पीवीडी का खेल में खेमा बहुत ही जबरदस्त अरुण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरुण, बहुत गजब। और ये अभी भी हिमांशु 3 रन दूर हैं अपनी सेंचुरी से। इस पवार स्ट्राइक पर पहली बार, और ये बीट हुए और ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक पर आए हैं अंतिम ओवर टीम का। तीन रन दूर हैं हिमांशु थापा, और देखना है हिमांशु स्ट्राइक पर हैं, स्ट्राइक पर हैं हिमांशु थापा। छोटी गेंद और वहां पर, और ये मिसफील्ड वहां पर, और ये हिमांशु थापा की सेंचुरी। बहुत गजब की बैटिंग, बढ़िया यार हिमांशु, बहुत जबरदस्त हिमांशु थापा की सेंचुरी, बहुत ही गजब। 200 के स्ट्राइक से सेंचुरी पूरी की हिमांशु ने, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी आज, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग हिमांशु थापा की तरफ से। अभी भी बने हुए हैं और ये टूर्नामेंट का दूसरा शतक, आर्यन छेत्री ग्राउंड का पहला शतक ऊर्जा कप का हिमांशु के बल्ले से। और एक फिर से बाउंड्री पर, फील्डर मौजूद वहां पर, एक रन जरूर मिलेगा। दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे थे, बीच में है बिल्कुल हरीश पवार। बढ़िया बढ़िया हरीश सर, बढ़िया। हरीश पवार स्ट्राइक पर और खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ, खेलना चाहते थे लेग की तरफ नहीं। अगली गेंद लेकर सामना करेंगे हरीश पवार, छोटी गेंद और इस बार लेग साइड की तरफ खेल लिया है। 6 शॉट, 1 रन लिया है, 1 रन पूरा किया और तब तक फील्डर ने फील्ड किया बॉल को। हिमांशु स्ट्राइक पर, हिमांशु थापा, और एक बार फिर से गैप में है लेकिन फील्डर है वहां पर। और एक बार फिर से मिसफील्ड हुई थी लेकिन चार हो गए, चार 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 का इशारा हिमांशु के बल्ले से, 4 रन मिसफील्ड वहां पर। 206 का स्कोर, लास्ट बॉल अंतिम गेंद हिमांशु स्ट्राइक पर, और ये लास्ट गेंद क्या फिनिश किया है, 6 रन और हिमांशु ने 6 के साथ। बहुत गजब की बल्लेबाजी हिमांशु थापा द्वारा, लास्ट गेंद में भी 6 मारकर पूरा किया और अपना शतक। नॉट आउट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं अभिजीत पारी खेलकर साथ में हरीश पवार। हिमांशु थापा थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा। हिमांशु पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको, कॉन्ग्रेट्स, बहुत गजब की बल्लेबाजी। तो कैसा लग रहा है हिमांशु, इस ग्राउंड का ऊर्जा कप का पहला शतक आया है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, शुरुआत में हमारी 2 विकेट जल्दी चले गई थी, थोड़ा सरवाइव करना चाहा, उनके मेन बॉलर जो रवि बिश जी हैं उनको थोड़ा खेला, फिर उसके बाद जैसे जैसे बॉलर्स मिले तबीयत से मारा। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हिमांशु आपको। यहीं पर मैडी जो कि यूकेएन के कैप्टन हैं आज कमेंट्री कर रहे थे, बड़ी अच्छी मंदीप। एनडीटी के कप्तान मैच पे आने का टेस्ट करें, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए
और किरण भाई। कैप्टन है कि वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन। ऊर्जा कप पहले बहुत बहुत बधाई और किरण भाई को, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और जो टीम जीती है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए भी। बहुत अच्छा खेले आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। टूर्नामेंट है ऊर्जा कप की, हमेशा से अच्छा ही टूर्नामेंट रहा है, एक लेवल रहता है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये रहा कि एक तो टीम के प्लेयर्स नहीं थे कुछ की, क्योंकि सब ऑफिस में काम करते हैं, सबके अलग अलग बैठक लगी हुई थी, उस वजह से पूरे लड़के नहीं आए। हमारी टीम में भी 10 ही थे आज, तो वो एक कमी रहती है जब आपके की प्लेयर्स नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर रहता है। बट जो बैटिंग हिमांशु इन्होंने की है वो तो मतलब उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी, तो उनको बधाई है। डेफिनेटली हम बैटिंग ही लेते क्योंकि एक तो शाम को विजिबिलिटी का इशू रहता ही है और बैटिंग में आपका एक फ्लो बना रहता है। अगर आप पहले बैट करो तो आप थोड़ा सा एक प्रेशर नहीं रहता कि आपको टारगेट लगाना होता है। अब टारगेट जब मिल जाता है तो थोड़ा सा आपका जब आप बैट करते हो तो थोड़ी दिक्कत रहती है, तो हम बैटिंग ही लेते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे करियर की पहली सेंचुरी है वो भी किसी टूर्नामेंट में और वो भी ऊर्जा कप में, तो मैं बहुत खुश हूँ। टीम को अच्छा स्टार्ट दिला जो आपने आप दिला रहे थे पिछले मैच में, आपने काफी अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन आज आपने क्या चेंज किया? चेंज कुछ नहीं किया, सभी सेम ही था, बस दिमाग में ये था कि हमें एटलीस्ट 180 प्लस या 190 प्लस स्कोर करना है। जैसे कि यही था दिमाग में कि टॉस जीतना है और बैटिंग करनी है। तो कहीं आप आज अपनी बॉलिंग को तो मिस नहीं कर रहे थे? ठीक है, बॉलिंग नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल मिस नहीं करी, सभी ने अच्छी बॉलिंग करी है। जैसे कि अंकुश भाई है हमारे, 4 विकेट लिए, रवि सर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तरुण भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, रणेश जी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, हमारे परहेल सर भी हैं, मेहता जी हैं, बिरला सर है, तो मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि भाई मैंने बॉलिंग नहीं करी, मैं खुश हूँ। हाँ, जैसे कि आपने बताया पूरा टीम गेम अच्छा था, सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंद करी, और आप अरुण की पारी का कैसे देखते हैं? नहीं, अरुण की पारी ने मुझे बहुत जल्दी गिर गए थे, तो अरुण के आने से मुझे मतलब एक प्रेशर मेरा रिलीव हो गया कि मतलब एक एंड से, पहले आप देख रहे थे एक एंड से मैं ही मार रहा था, तो अरुण के आने से मतलब एक मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिल गया। तो कहीं ना कहीं आपको बधाई दूंगा और शुभकामना करूंगा कि आगे के मैचों में भी आप जीतते रहे, और मेरा तो मैच मोमोज खाने मुझे बहुत बढ़िया रिमांशु, बच्चा खेलेगा अच्छा प्रदर्शन, आराम करते बोरा के द्वारा
रवि ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी, काफी सराहनीय है। मतलब पुराना रवि यहाँ पर देखने को मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। और रवि भी जैसे बल्लेबाज को कुछ शॉट खेलने के लिए मौका दिया, तो मैं आरक्षण की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत इंप्रेस करा, बहुत बढ़िया। थैंक यू, कल मिलते हैं अगले मैच में। थैंक यू। तो चलिए, ये NIPBK ने अपना तीसरा मैच आज खेला और दो मैच यानी कि 2-1 से आगे हैं हम लोग आगे। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। ऊर्जा कप में 3 मैच खेल के 2 जीत गए हम। हिमांशु, मैन ऑफ द मैच पहले तो बहुत बहुत बधाई और सेंचुरी के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। किस तरह से देखते हो इस जीत को, क्योंकि आज तीसरा मैच खेल रहे थे और जिस तरह से आपका इंटेंट था स्टार्टिंग से, कैसे देखते हो इस जीत को? सर, ये जीत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछला जो मैच हमने खेला वो हम जीतते जीतते हार गए, तो कहीं ना कहीं इस जीत से हमारे सभी प्लेयर्स का एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है और कहीं ना कहीं हम पॉइंट्स टेबल में एक अप आए। मतलब अभी हम अपने पूल पे सेकंड में आ गए। क्या बात है, तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है। हिमांशु, और एक बात पूछना चाहूंगा, कप्तान हो, संस्थान के कप्तान यानी कि NIPBK के, कैसा लगता है जब संस्थान के लिए बाहर निकलते हैं संस्थान के नाम से और जीत से परचम लहराते हैं, संस्थान का नाम होता है, कैसा फील होता है? क्योंकि जिस संस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए हम खेल रहे हैं। सर, बहुत ही अच्छा फील होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपने टीम से खेलना, अपने संस्थान के लिए खेलना, अपने संस्थान का नाम लेकर अपने चेस्ट पे जो हमारे लिखा हुआ है, जैसे NIPBK वॉरियर्स, बिल्कुल एक हमारे लिए ये बहुत ही मतलब बोले ना कि एक गर्व की बात है हमारे लिए कि हम अपने संस्थान को कहीं किसी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, थैंक यू और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।